वीडियो बन गई है जिंदगी का एक जगह हमारी एकता जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी ग्रुप में ऑनरेबल जैसा कि मैंने बीएसपी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने ये बिल जिस दिन कैबिनेट में डिस्कस हुआ था उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि ये विभाजनकारी बिल है। बीएसपी का स्टैंड पहले दिन से ये साफ है कि ये जो कानून लेके आए हैं ये कानून संविधान के खिलाफ है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस बिल के खिलाफ वोट किया था और आज हम लोग
अपनी पार्टी की तरफ से बहन जी के निर्देश अनुसार महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले और उनसे गुजारिश की है कि ये जो काला कानून है इसको महामहिम राष्ट्रपति जी सरकार को कहें कि इस कानून को रिपील किया जाए, इसको रद्द किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता हुई और वहां लाइब्रेरी के अंदर घुसकर के जो अटैक हुआ, उसकी न्यायिक जांच हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। हमने यही बात है महामहिम राष्ट्रपति जी से कही है, उनसे गुजारिश की है कि वो सरकार को निर्देशित करें कि इस कानून को वापस लिया जाए और हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, उनके ऊपर ज्यादती ना की जाए। और हमने भी जैसा कि बीएसपी की अध्यक्षा ने शांति बनाए रखने की अपील की है, हम भी ये अपील करते हैं देश में कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार इस देश के लोकतंत्र में सबको है और बहुजन समाज पार्टी संविधान के ऊपर कोई भी अटैक होगा उसका पुरजोर विरोध करेगी। हमने लोकसभा राज्यसभा में भी इसका विरोध किया वोट दे करके और आगे भी जारी रहेगा। हमने महामहिम से अपील की है मीडिया है। हाँ, छात्र युवा के संगठन के द्वारा उतरे हैं और NRC और जो CACF है उसके खिलाफ में और जो पूरे देश में छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता अपनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ, जो केंद्र मोदी सरकार और अमित शाह की सरकार जो है नागरिकों को धर्म के नाम पर बंटवारा और संविधान की धर्म निरपेक्षता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम तमाम साथीगण ये बिहार बंद में उतरे हैं और हम लोग उतरेंगे और आगे डाक बंगला तक भी जाएंगे। अच्छा
किसी भी हाल में बिहार में तो हम लोग लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी खाना पड़े दोहरा देंगे। और नीतीश कुमार जो ज्यादा उड़ रहे हैं, अभी आप नाम लिए संजय पासवान जी का, सब आरएसएस का दलाल आदमी है, ये सबका क्या नाम लेते हैं, जो बाबा साहब के आरक्षण के वजह से एमपी एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, और उसके बाद संविधान की रक्षा नहीं कर रहा। संविधान में धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, हम क्यों सीएए एनआरसी को मानेंगे। ये पूरे जनता ने जो केंद्र सरकार को बनाया, आज जनता को लाइन में खड़ा कर दे रहा, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी एनआरसी की सीए के नाम पे, और रोजगार शिक्षा की तो बात हो नहीं रही है, महिलाओं का रेप हो रहा है, उस पे तो कुछ हो नहीं रहा, देश की अर्थव्यवस्था गिर जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। संविधान को किसी भी कीमत पर हम लोग हारने नहीं देंगे। संविधान के लिए अगर हमको संविधान तरीका से चल रहे हैं अभी तक, हम बता देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि बाबा साहेब और संविधान को हम लोग मानने वाले हैं, और एक मिनट के लिए भी अगर संविधान को नजर से हटा देंगे उनकी नदियां बह जाएगी। हम लोग संविधान को अभी तक मान रहे, मजबूर ना करे केंद्र सरकार कि हम लोग संविधान को एक घंटा एक दिन के लिए भी नजरअंदाज अगर कर दे तो बहुत बुरा। सर नागरिकों का कहना है कि बंद के नाम पर यहाँ सड़कों पर उत्पाद भी मचाया जा रहा है। कोई उत्पाद आप बताइए, कोई उत्पाद नहीं, आज हम लोग पूरा बंदी दिए हैं, हम लोग आ रहे हैं, बता दे सीसीटीवी कैमरा चेक कर ले, कोई गाड़ियाँ टूटी हो या कोई टूटा हो, कोई उत्पाद नहीं, कोई बंदी नहीं, हम लोग संवैधानिक तरीका से बंद कर रहे हैं। तमाम जो छात्र संगठन के लोग हैं, ऐसा ही ऐसे में बीमार भी है, दिशा खबर अभी अभी यहाँ पर बैठे हुए हम लोगों को मिली है। और जैसा कि आप जानते हैं
कि डॉक्टर यादव जी को पहले ही नजरबंद कर दिया गया है, तो इस देश के गरीब पूर्वे अति पिछड़ो दलितों की लड़ाई जो नेता लड़ रहा है उसको यहाँ पर नजरबंद कर दिया गया है। और यकीन मानिए अभी जो देश की स्थिति है वह इमरजेंसी से भी पूरी स्थिति हो चुकी है। और आज अभी अभी जोगेंद्र यादव जी को भी दिल्ली में लाल किला पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप लोगों को अब ये सोचना है कि हमें सड़कों को खाली नहीं होने देना है, गांव से लेकर जिला, जिला से लेकर राज्य, राज्य से लेकर दिल्ली की राजधानी तक। और इस पर मैं यही कहूंगा कि जुल्म के साये में, इस जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन, इस जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन, और हम भी न बोले तो फिर बोलेगा कौन। तो दोस्तों ये जो सरकार है एक नंबर की झूठी और लगान सरकार है। एनआरसी पर तो इंजीनियर साहब, इब्राहिम जी, मास्टर साहब, तमाम हमारे वक्ताओं ने, एक प्रमोद लड़का था उसने बोला, तमाम बातें लोग बोला, मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस सरकार की झूठ का मैं पर्दाफाश जरूर करना चाहता हूँ। वह ये है कि इस देश के खास करके हिंदुओं को हमेशा पाकिस्तान का और मुसलमान का डर दिखाया जाता है, और हमारे देश का गृह मंत्री ये कहते हैं कि पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, अलग हुआ था, जब मुल्क का बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज उनकी संख्या घट करके 1.5% रह गई है। मतलब कि वहां पर देश के बीच में पहुंच रहा है। ये सच है कि जब आजाद देश हुआ था तो संयुक्त पाकिस्तान की आबादी, संयुक्त मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान की आबादी 23% थी, लेकिन जो पर हिंदुओं की आबादी, मैं कह रहा हूँ हिंदुओं की आबादी 23% थी, लेकिन जिस पाकिस्तान की बात हम करते हैं उसकी आबादी उस समय 3.48% थी। हिंदुओं को समझ रहे हैं लोग, हिंदुओं की वहाँ आबादी 3.4% थी। इस बात को हमारे सारे युवा नोट कर लें और किसी के भी बहकावे में न आवे। अभी जो 2011 का पाकिस्तान की जो सर्वे और जनगणना हुई है उसमें आज वहाँ के हिंदुओं की आबादी 3.9% है, माने बड़ी है, वहाँ की आबादी घटी नहीं है। और हमारे देश के हुक्मरान इस गलत बात को आपके बीच परोसते हैं, और जैसे ही यहाँ की सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदुओं को, सिखों को यहाँ पर बुला करके नागरिकता देंगे, तो वहाँ के हिंदुओं ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे ही नहीं, पर हम हिंदुस्तान आएंगे ही नहीं। देखिए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो पाकिस्तान में जिन्हें हम हिंदू कहते हैं वहाँ के हिंदू कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हम यहाँ तो दलित है, पिछड़े हैं। यहाँ की बड़ व्यवस्था के हिसाब से पाकिस्तान के 95% जिन्हें यहाँ की सरकार हिंदू कहती है वे हिंदू नहीं बल्कि शूद्र जाति के हैं, शूद्र जाति के हैं। और वे लोग इस बात को, इन बात को जानते हैं लोग कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। बांग्लादेश की बात आ जाएगी, बांग्लादेश का हवा बना करके कि बांग्लादेश के मुसलमान आसाम में आ गए हैं, उन्होंने एनआरसी को लगाया। उधर रहिए ना आप लोग, कबार बार नहीं समझ में आ रहा है, पीछे चलिए आप पहले पीछे चलिए। बोल यार पूरा कर ये नहीं, अरे यार पीछे Thank you.
பார்ட்டிகள் சிறப்பியம் नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।